गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आरिज जावेद और स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लास में। आज मैं क्लास 9 की क्लास लेने जा रहा हूँ। चलते हैं आज की क्लास, चैप्टर 1 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ का पदार्थ। मैटर मतलब होता है पदार्थ, हमारे चारों तरफ के। अब समझते हैं पहले कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। आप लोग पढ़ा होंगे ना 8th में कि मैटर के बारे में कि एनीथिंग इज ऑक्युपाइज स्पेस हैव मास नोन एज मैटर। कोई भी वस्तु जिसके पास वजन हो और वो जगह घेरता हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो मैटर को आप लोग पढ़े होंगे कि एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता हो, ठीक है, जगह घेरता हो और कुछ ना कुछ मास यानी उसका कुछ ना कुछ वजन हो तो क्या बोलेंगे उसको? मैटर कहेंगे। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है, ऑक्युपाइज स्पेस मतलब ऐसा वस्तु जो जगह घेरता हो, ठीक है, एंड हैज अ मास, और उसके पास क्या हो? मास हो तो क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, ऐसा चीज जो जब ऐसा वस्तु जो जगह घेरता हो और जिसके पास वजन हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। समझ में आ रहा है? मैटर जो, जैसे मान लो शुगर है, ये क्या है? मैटर है। पानी आपका क्या है? मैटर है। बालू आपका क्या है? मैटर है। कॉपर आपका क्या है? मैटर है। मैटर है। स्टील के आपका मैटर है ना। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजों को देख रहे हैं सब क्या है? मैटर है। हमारे चारों तरफ के जो भी चीजों को देख रहे हैं वो क्या है आपका? मैटर है। आपका एयर भी क्या है? आपका मैटर है। हवा क्या है आपका? मैटर है। समझ में आ रहा है? यानी हमारे चारों तरफ की जो भी चीजें समझ दिख रही है ना, समझ में आ रहा है, जो भी चीजें दिख रही है चारों तरफ की वो क्या आपका? मैटर है। एयर भी क्या आपका? मैटर, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हुआ, मिल करके बना हुआ है। तो कहेंगे कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है आपका? क्या है आपका? पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स है। फिर से बोल रहे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर नोन एज एटम। समझ में आ रहा है? जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम कहलाता है। समझ में आ गया? या पार्टिकल्स के बोलते हैं। देखो आप मैटर के बारे में बहुत लोग कंसेप्ट किए कि यानी अपना मत दिए, कहें कि मैटर क्या है आखिर। तो मैटर को पहले जमाने के लोग, जो पहले के दार्शनिक लोग थे, फिलोसफर्स लोग थे, वो कहे कि मैटर जो होते हैं, ठीक है, पहले जमाने के लोग जो बोले थे कि मैटर जो मतलब होता है पदार्थ होता है, और पदार्थ जो होता है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। पहले जमाने के लोग दार्शनिक लोग थे, ठीक है, अब पहले जमाने में जो लोग थे, जो उस समय साइंटिस्ट साइंस के बारे में जानता था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो मैटर जो होती है वो 5 चीजों से मिलकर के बनी होती है। वो 5 चीजें कौन थी? तो उसको बोला पंच तत्व। 5 चीजों का नाम दिया क्या? पंच तत्व। तो 5 चीजें कौन कौन सी थी? तो पहला था आपका एयर, दूसरा आपका था अर्थ। समझ में आ गया? पहला क्या था? एयर। दूसरा क्या था? अर्थ। तीसरा था फायर यानी आग। उसके बाद क्या था? स्काई यानी आसमान। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? और पांचवा जो था वो क्या था? क्या था? वाटर। समझ में आ गया? तो ये वायु, एयर को बोला वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इसको इसको बोला गया पंच तत्व। क्या बोला गया? पंच तत्व। पंच तत्व बोला गया कि हमारा मैटर जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना है। हमारा मैटर जो है किससे मिलकर बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो पंच तत्व कौन कौन है बाबू? तो वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ठीक, एयर को मतलब बोला गया वायु, अर्थ का बोला गया पृथ्वी, और फायर का मतलब अग्नि, और स्काई का मतलब आकाश, और वाटर का मतलब जल। तो पंच तत्व को पूछेगा कि पहले जमाने के लोग, फिलोसफर ने
पैडल को किस तरह क्लासिफाइड किया गया, तो बताया गया कि फिलासफर पहले जमाने में फिलासफर जो लोग थे वो पंच तत्वों को बताया गया कि मैटर जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो पंच तत्व कौन कौन है, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। कि ये क्या है, मैटर का पांचों पार्ट्स है। समझा ना कौन कौन, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, ये सभी पांचों चीज किससे रिलेटेड है, मैटर का, मैटर से, मैटर को बना हुआ है। कौन कौन ये पांचों चीज, समझ में आ गया, इसी से मिलकर के आपका मैटर बना हुआ है। समझ में आ गया। ये भी कह सकते हैं कि पंच तत्व का मतलब ये होगा कि मैटर को क्लासिफाइड किया गया कि मैटर जो है ये एयर है, अर्थ है, फायर है, यानी ये सब क्या, ये सब चीजें मैटर से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ गया। तो फिलासफर लोग मैटर के बारे में बताया कि मैटर जो है वो क्या है, पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ गया। अब समझते हैं, बाद में साइंटिस्ट लोग इसके बारे में डिस्कस किए, बाद में इसके बारे में सोचे समझे, तो इन्होंने क्लासिफाई किए कि मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं, देखते हैं इसके बारे में। मैटर क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला बताया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा बताया गया केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहले तो बात बताया थी फिलोसफर ने क्या किया, लेकिन आज के जो साइंटिस्ट था मैटर को क्लासिफाइड किया गया किसके हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होती है ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेजरमेंट करती है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जैसे जैसे हमारे बॉडी के मान लो ये सपोज ये चाक है, चाक की फिजिकल क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊपर से देख कर बताना ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और उसके अंदर घुस के बताना है, देखो अंदर घुस के मतलब क्या हुआ कि चाक के छोटे छोटे पार्टिकल्स किससे बना हुआ है, तो कैल्शियम से बना हुआ है, कार्बोनेट से बना हुआ है, तो उसके अंदर घुस के बारे में बताना वो केमिकल प्रॉपर्टीज बता देना। समझ आ गया। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज बताना चाहते हैं तो उसको अंदर के एटम्स के बारे में एक्सप्लेन करना केमिकल प्रॉपर्टीज है, और उसके ऊपर से देखकर फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से बताना वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए मैटर को, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी का सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ में आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबसे बताया गया। क्या बताया गया, फिजिकल सॉलिड, लिक्विड, इसको ऐसे बता दे, सॉलिड ये हो गया, लिक्विड, गैस और बोसाइन, इसको बोसाइनस्टीन भी बोलते हैं, और अगला है प्लाज्मा। ये फिजिकल के हिसाब से बताया गया। और केमिकल के हिसाब से क्या बताया गया, फिर से बोले फिजिकल हिसाब से क्या, सॉलिड, लिक्विड, नोट करते हुए चलिएगा, गैस, बोसाइनस्टीन और प्लाज्मा। समझ में आ गया। फिजिकल के हिसाब से क्या बताया गया, कौन कौन से पार्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोसाइनस्टीन और प्लाज्मा। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, अब चलते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से दो पार्ट में बोला गया, एक बोला गया प्योर और एक बोला गया मिक्सचर। इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे। प्योर जो दो पार्ट के, एक बनाया गया एलिमेंट्स और एक बनाया गया कंपाउंड्स। एक बनाया गया एलिमेंट्स और एक बनाया गया कंपाउंड्स। मिक्सचर के साथ देखा जाए दो पार्ट्स में, एक बनाया गया होमोजीनियस, एक बनाया गया क्या बाबू, होमोजीनियस, और दूसरा क्या बनाया गया, हेट्रोजीनियस। समझ में आ गया। अब एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया, एक बार रिपीट कर देना अगर दिख रहा होगा तो, दिख नहीं रहा होगा तो देखो, होमोजीनियस और एक क्या,
हेट्रोजीनियस। प्योर को बताया गया एलिमेंट्स और अगला कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के पार्ट्स जो है तीन थे, एक था मेटल और एक क्या था नॉन मेटल यानी अधातु को हिंदी में बोलते, और तीसरा जो था मेटलॉइड। क्या था बाबू? मेटलॉइड्स। समझ आ रहा है? कंपाउंड्स दो टाइप्स के थे, एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा होगा, दूसरा जो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आ रहा है? ठीक, क्लियर हो गया। तो ये थी क्या मैटर की क्लासिफाइड, कि मैटर को किसे कैसे हम बता सकते हैं। तो दो तरीके से बता सकते हैं, फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकली बताएंगे तो बताएं सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोन्स एस्टी और प्लाज्मा। केमिकली बताएंगे तो दो पार्ट्स के, प्योर और मिक्सचर। प्योर मतलब दो पार्ट्स में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। कंपाउंड्स दो टाइप्स के ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर दो टाइप्स के, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। अब समझते हैं अगला टॉपिक, मिटा दे इसको, क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या ग्रुप में मैसेज करिएगा। अगला मैटर इज द मेकअप ऑफ पार्टिकल्स। अभी बताया ना आपको कि मैटर जो होता है, मैटर इज मेकअप ऑफ पार्टिकल्स। समझिए इसके बारे में, मैटर इज द मेकअप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। बताया ना आपको कि उसको एटम्स के नाम से बोला जाएगा, ठीक है? क्या बोला जाएगा? एटम्स के नाम बोला जाएगा। अगर एक बूंद पानी के रेन ड्रॉप लेते हैं, एक बूंद रेन ड्रॉप ले, उसमें लगभग 10^21 कितना 10^21 पार्टिकल्स पाया जाता है। इसे बोले अगर एक बूंद किसी रेन ड्रॉप ले रहा है, उसमें कितने पार्टिकल्स पा रहा है? 10^21 पार्टिकल्स पाया जाता है। अगर एक बूंद क्या ले रहे रेन ड्रॉप ले रहा है, तो उसमें कितना पाया जाता है? 10^21 पार्टिकल्स पाए। इसके मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैटर के जो पार्टिकल्स है, जो मैटर का छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, वो बहुत छोटा होगा और बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाएगा। यानी बहुत वेरी वेरी स्मॉल साइज और लार्ज नंबर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे देखा जाए तो बहुत छोटा साइज का होगा इसका, और वो बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अभी एक बूंद रेन ड्रॉप लेते हैं, उसमें कितना पाया जाता है? 10^21 पार्टिकल्स आपके पाए जाते हैं किसके? रेन ड्रॉप्स के। समझ में आ गया? इससे क्या पता चल रहा है कि एटम जो होते हैं वो बहुत छोटा छोटे पार्टिकल से ना मिलकर बना हुआ था। उस छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या हुआ? आगे चल के एटम्स बना, नहीं तो मॉलिक्यूल्स बना। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एटम्स, क्या होती है एटम्स, क्या होती है? तो बताएंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। समझ में आ गया? आप समझ रहे? कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब समझ रहा हूं। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, ये समझ में आ गया? मैटर इज द मेकअप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कि मैटर के बारे में देखा गया कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते थे वो मोशन भी करते थे। एक्सपेरिमेंट ही देखा गया, जैसे हम आप लोग देखे होंगे कि एक हम बीकर ले, बीकर मतलब शीशे की ग्लास, बीकर ले और बीकर में हम क्या ले? पानी ले। क्या ले बाबू? पानी ले। और पानी के अंदर एक चम्मच या उससे भी कम अगर हम रंग डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं? कलर डाल देते हैं, तो पूरे पानी क्या हो जाता है? कलर हो जाता है। इससे क्या पता चलता है बाबू? इससे यही पता चलता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं बाबू? मोशन करते हैं। समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो है मोशन करते हैं, क्योंकि यहां से पार्टिकल्स कहां जाते हैं? पूरे चारों तरफ फैल जाते हैं। इसे क्या पता चला कि पार्टिकल्स मोशन करते हैं। अब देखे होंगे कि कभी भी कलर बनाया जाता है तो क्या
कितना कलर लिया जाए उतना पानी भी लिया जाता है। जैसे हम होली में रंग बनाते हैं, सपोज दैट मानो कि होली में हम रंग बनाते हैं किसी को किसी के ऊपर फेंकने के लिए, तो क्या करते हैं बाबू हम जितना, जैसे मान लो कि 10 लीटर पानी ले लें तो 10 किलोग्राम हम रंग मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, उसका कम से कम एक हिस्सा लेंगे इतनी साफ या थोड़ा सा ज्यादा लेके उसको घोल देंगे, और घोलने के बाद पूरा आपका 10 जो लीटर पानी हो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स थी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रही है, ठीक है। तो कहां से कहां मूव कर रही है, कहां से कहां, अमाउंट कितना था पानी रंग का, कम था इतना था, और कहां जा रहा है, अधिक ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिफ्यूजन, क्या है बाबू, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, द मूविंग ऑफ पार्टिकल, समझ में आ रहा है, द मूविंग ऑफ पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। समझ में आ रहे बाबू, फिर से बोल रहे, द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। जैसे हम मान लो कि घर में मम्मी जो खाना बना रही है, ये हमारा किचन है, ये हमारी मान लो कि ये मम्मी है मान लो, ठीक है, और ये क्या कर रही है, खाना बना रही है, हमारी मम्मी क्या रही है, खाना बना रही है, और खाना जो बहुत बेहतरीन खाना बना रही है, ठीक है। और इसकी महक हम अपने मान लो कि ये हमारा किचन है, सपोज ये किचन है और किचन के बगल में एक छोटा सा रूम है, ठीक है, और जब ये खाना बन रहा है इसकी महक क्या हो रही है, यहाँ तक पहुँच जा रही है हमारे नाक में, हम कह रहे हैं मम्मी हमें बेहतरीन खाना जो बना रही हो वो हमें थोड़ा भेज दो, जो बना रही हो हमें भेज दो, ठीक है। तो कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या कहते हैं, मूव करते हैं कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और ना कहाँ जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और हम क्या कहते हैं उससे उसके पार्टिकल्स को महक लेते हैं, इसे पता चल जाता है हमें। तो ये टॉपिक क्या है, इस किसके द्वारा होता है, वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से होता है। ये भी देख सकते हो कि जैसे हम घर में इत्र रख देते हैं, तो घर इत्र क्या करते हैं, एक जगह रख देते हैं और उसको छोड़ दो, खोल के छोड़ दो, तो पूरा घर क्या हो जाएगा, महक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगरबत्ती देखो, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाओ, क्या उसके धुएं एक जगह रहते हैं, तब करके देखो, तो जला के बत्ती, अगरबत्ती जला के छोड़ दो और उसको कहो कि धुआं एक जगह आ जाओ, आ जाएगा एक धुआं एक जगह, नहीं आएगा धुआं एक जगह, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझ में आ रहा है, तो किस में, गैसेस में, समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल तो बोलेगा डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन द प्रोसेस इन विच, डिफ्यूजन द प्रोसेस इन विच द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नो एनी मेम्ब्रेन नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना बताया है उस पर क्वेश्चन लगाइएगा, मैटर्स के बारे में लिखिएगा, लिख करके ग्रुप में भेजिएगा, मैटर्स के बारे में, मैटर्स क्या होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, तो अगर लिख सकते तो दो प्रॉपर्टीज लिखिएगा, डिफ्यूजन के बारे में लिखिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, आप हैव अ नाइस डे, थैंक यू।